बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार। रविवार को ग्वालियर में पहला मुकाबला। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर सबकी नजर। 14 साल बाद ग्वालियर के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा इंटरनेशनल मुकाबला। शाम 7 बजे शुरू होगी भारत बांग्लादेश की टक्कर। ग्वालियर की चिलचिलाती गर्मी में टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। कैप्टन सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। अंडर द लाइट भारतीय टीम की जोरदार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेशन में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और मयंक यादव ने की खास तैयारी। लंबे समय बाद टीम इंडिया के प्रैक्टिस कैंप में दिखे हार्दिक पांड्या। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 टीम मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम को किया अलर्ट। कहा, विरोधी टीम को हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे प्रदर्शन पर हमारी नजर। सूर्य कुमार यादव ने की नए कोच गौतम गंभीर की तारीफ। कहा, गौतम गंभीर के कोचिंग में टीम को मिली नई दिशा। युवा खिलाड़ियों पर कोच की पैनी नजर। मुंबई में 27 साल बाद जीता ईरानी कप का खिताब। दूसरी पारी में तनुष कुटियन के शतक के दम पर रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ मैच ड्रॉ। पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर चैंपियन बनी मुंबई। पहली पारी में मुंबई ने खड़ा किया 537 रनों का विशाल स्कोर। जवाब में वेस्ट ऑफ इंडिया ने बनाए 416 रन। दूसरी पारी में 8 विकेट गवाकर मुंबई ने 329 रन पर पारी घोषित की। मुंबई के लिए दोहरा शतक लगाने वाले सरफराज खान बने प्लेयर ऑफ द मैच। अवार्ड के बाद बोले, मुझे अपनी कमजोरियों पर काम करने की जरूरत। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने जीता पहला ईरानी कप। रहाणे की कप्तानी में रणजी चैंपियन भी बनी थी मुंबई। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती 2 मैचों में नहीं दिखेगा मोहम्मद शमी की रफ्तार। का जादू वापसी के लिए फैंस को करना होगा इंतजार। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमी की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं। क्रिकेट मैदान में 11 महीने से दूर है शमी। फरवरी में कराई थी टखने की सर्जरी। बेंगलुरु के एनसीए में शमी का रिहेब सेशन जारी। श्रीलंका के पूर्व कप्तान दासुन शनाका का 2026 टी20 वर्ल्ड कप पर बड़ा बयान। कहा, युवा और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के दम पर जीतेंगे वर्ल्ड कप। दासुन शनाका बोले, टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए तैयार कर रहे हैं मजबूत टीम। भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा 2026 का टी20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका। कप्तान बेन स्टोक्स मुल्तान टेस्ट से बाहर। द हिंड्रेड टूर्नामेंट में लगी हैमस्ट्रिंग में चोट। बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी में ओली पोप संभाल सकते हैं इंग्लैंड की कमान। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी ओली पोप ने की थी कप्तानी। पोप की कैप्टेंसी में 2-1 से टेस्ट सीरीज जीती थी इंग्लिश टीम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 हारने के बाद मुश्किल में भारतीय महिला टीम। अब पाकिस्तान के सामने करो या मरो का मुकाबला। 6 अगस्त को दुबई में टक्कर। टी20 इंटरनेशनल में 15 बार आमने सामने हो चुके भारत पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम। 12 बार भारतीय टीम में मारी बाजी, 3 बार पाकिस्तान को मिली जीत। 6 अक्टूबर को महिला टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड में सामने होगी वेस्ट इंडीज की चुनौती। दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। अपना पहला मैच हार चुकी है दोनों टीम। वेस्टइंडीज को दक्षिण अफ्रीका से तो स्कॉटलैंड को बांग्लादेश से मिली थी मात। जीत के साथ टूर्नामेंट में वापसी की कोशिश।